फ्रेंड्स, दोस्तों, आज का वीडियो आपकी लाइफ को छू जाएगा। कमाल का टॉपिक है। मुझे लगता है कि सब लोग कभी ना कभी नेगेटिविटी से, नेगेटिव इमोशन से, पेन से, फियर से अफेक्ट होते हैं। सो टॉपिक बड़ा ही कमाल का है। मुझे लगा कि ये आपसे डिस्कस करना चाहिए। और वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ब्रह्म शर्मा आपके सामने एक बार फिर। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है। हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ वंस फॉर ऑल। अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी कैसे कैसे निकालें, नेगेटिविटी वंस फॉर ऑल छुए ना आपको, ना आपको डर लगे, ना आपको पेन हो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से, एंग्जाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, लोएस्ट सेल्फ एस्टीम और जाने क्या क्या, इससे और भी कुछ, सैडनेस, लोनलीनेस, हेट, जेलसी, एंगर, फियर, गिल्ट, शेम, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस ना हो हमारी लाइफ में, कितना अच्छा रहेगा। हम आए हैं यहाँ पर सुपर नेचुरल बींग्स, ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में जीने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से जीने के लिए, दूसरों को कोऑपरेट करने के लिए। और मेरी भी इच्छा है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। आज की वीडियो को एंड तक देखिए, उसमें आपको एंड में मिलेगा, आपको एक नहीं, दो नहीं, कई टेक्निक्स मिलेंगी जिससे कि आप अपनी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को निकाल सकते हैं, ये फीलिंग्स को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एंड तक और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो को तो आप वायरल करने वाले हैं, मुझे मालूम है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल का कंटेंट डालने की कोशिश की है। ये मेरा एक प्रयास है। आई वुड लव टू शेयर योर फीडबैक। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, आपको टेक्निक्स अच्छी लगेंगी, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अभी लिखिए यस, बहुत मुझे खुशी होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स को हम निकाल तो देंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। क्या करेंगे आप? डालेंगे उसमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस डालेंगे, जॉय, ग्रैटिट्यूड, होप, लव। और मेरे तीन जो मेरे लाइफ के मंत्रा हैं, आपके क्या मंत्रा हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स में अभी। मेरे तीन मंत्रा हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस और लव, ये मेरे मंत्रा है लाइफ के। और ये नेगेटिविटी मुझे तो अब छूती भी नहीं है और आपको भी छुएगी नहीं। अब जरूर वीडियो के एंड में आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रॉमिस ही नहीं, गारंटी है जी जनाब, गारंटी है, दैट्स राइट। चलिए थोड़ा सा आपको पूछूं, फीलिंग क्या है, थॉट क्या है, फीलिंग क्या है और इमोशन क्या है? ये थॉट आता कहाँ से, कभी सोचा आपने? मुझे भी नहीं पता। कितने आते हैं? 60,000 एक दिन में, दैट्स राइट, 60,000 थॉट्स पर डे। ये हमारे दोस्त हैं। और एक कमाल की बात आपसे शेयर करूं, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके आपकी लाइफ में होती है, अभी के अभी तुरंत आपकी आपका मूड चेंज हो जाए, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाए, अभी के अभी चार सेंटेंस मेरे साथ बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस नेगेटिव फीलिंग इन माई माइंड। I am learning from it and I will apply the learning in my future. क्या कमाल की बात है। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके आपकी लाइफ में आए, आप यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू कीजिए कि वो आपकी लाइफ में आई, आपको एक लर्निंग सिखा रही है और उस लर्निंग को आपने आने वाली लाइफ के अंदर में अप्लाई करना है। ना कमाल की लर्निंग। आप इसको करेंगे तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच बदल जाएगी पॉजिटिविटी में, पॉजिटिविटी में, और ये तो मज़ा आपको लाइफ का देगा दुगना, प्रॉमिस है। चलिए थॉट तो हमने देख लिए, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप जानते हैं थॉट्स कहाँ से आते हैं, डू यू नो हाउ मेनी पीपल नो फ्रॉम वेयर द थॉट्स कम, हाउ डू दे जनरेट इन द माइंड, प्लीज़ टेल मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू नो एंड लर्न मोर फ्रॉम यू ऑल्सो। चलिए थॉट्स तो आ गए, इसका कोई कंट्रोल नहीं हमारे ऊपर। नेगेटिव आ गए तो उसका कंट्रोल है, उसके ऊपर हम करेंगे कंट्रोल और फटाफट करेंगे। देखिए
तो अब फीलिंग और इमोशन इसमें क्या फर्क है? देखिए, फीलिंग जो है वो टेम्पररी है और आती है चले जाती है। इमोशन जरा ज़्यादा देर तक रहते हैं और हमारे को जकड़ लेती है, पकड़ लेते हैं। कई बार तो हफ्तों महीनों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। इमोशन हमको जकड़ लेता है। फीलिंग जो है वो हमारे इमोशन का एक एक्सपीरियंस है, दैट्स राइट। और इमोशन जो है वो बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन है हमारे शरीर में, हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में न्यूरो ट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं जो इमोशंस को क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। क्या आप जानते हैं चार न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, हमारी ब्रेन में? मैंने माइंड एक वीडियो बनाया है, आप देखिए मेरे चैनल में जाके, हाउ टू अंडरस्टैंड योर माइंड। उसमें मैंने बताया है कि डोपामीन कहाँ प्रोड्यूस होती है, राइट? ऑक्सीटोसिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, एंडोर्फिन्स, राइट, डोपामीन और भी ये मैंने आपको बताए। बट चलिए, न्यूरो ट्रांसमीटर्स तो हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं हमारे बॉडी में। तो आज आपको पता लगा कि थॉट, फीलिंग और इमोशन में क्या फ़र्क है। अब देखिए, आपने अभी इसी समय नेगेटिव फीलिंग आई, चलते चलते वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए, है क्या, उसको चैलेंज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, इज देयर सम अदर मैसेज दिस नेगेटिव फीलिंग इज ट्राइंग टू गिव मी, और उसको रिप्लेस करिए। रिप्लेस करने का तो मैं टेक्निक आपको बताने ही वाला हूँ बड़ी जल्दी, आप देखते रहिए वीडियो को। कैसा लग रहा है आपको? मैं हमेशा आपके फीडबैक के लिए इंतज़ार करता रहता हूँ। चलिए, ये जो टेक्निक है इसमें एक प्रिंसिपल है कि दो इमोशंस आपके बॉडी में कभी एक साथ रह नहीं सकते, दैट्स राइट। तो अगर मैं एक स्माइल मारूँ और बोलूँ कि मैं उदास हूँ तो चलेगा नहीं। देखिए, मैं उदास हूँ आप भी हंसेंगे, आप ये ट्राई की लीजिए, आप रो रहे रोते 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 हंसी है, मैं हंस रहा हूँ, नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी नेगेटिव फीलिंग एक बार रिप्लेस हो जाएगी पॉजिटिव फीलिंग से, उसके बाद में दोबारा कभी आने वाली नहीं है। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा, आज हर इंसान डिफरेंट है बट हर इंसान में एक ज़बरदस्त पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को आराम से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग है, मेरा नज़रिया देखने का एनवायरनमेंट को, जो भी कुछ मेरे आसपास हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है। एक ही चीज़ को अगर दो इंसान देखेंगे, एक हाथी को अगर दो इंसान देखेंगे तो दोनों अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग परसेप्शन होगा उनका। वो मेरे पिछले वाले वीडियो में हाउ टू अंडरस्टैंड द माइंड में आप देखिए, आपको मिलेगा वो डिटेल। चलिए, हमने ये देखा, आ गई है बारी आपको कुछ टेक्निक सिखाने की। ये तो नेगेटिव फीलिंग्स तो हमारे मन में, दिल में जकड़ लेती है, बीमारियां क्रिएट कर देती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, पता नहीं जाने क्या क्या। इसको कैसे रिमूव करें, अब आपको मैं अगले 2 मिनट में बताने वाला हूं। एक ही मेडिसिन से काम नहीं चलेगा जनाब, ये है एंटीबायोटिक भी चलेगी एंड एंटी एलर्जी भी चलेगी और एंटीपायरेटिक भी चलेगी, तीन चार मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको देने वाला हूँ और वो ही कारगर साबित होगा, वो होगा आपके लिए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। 50% कॉन्सेप्ट, 50% टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये है वीडियो का मंत्रा, दैट्स राइट। चलिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा काम कीजिए, फोकस आपका जो है, आपकी नेगेटिविटी पे जो भी आपको फीलिंग आ रही है, मैं बेकार हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं निकम्मा है, आप अपना फोकस इसके ऊपर से हटाइए अभी, कुछ और सोचना शुरू कर दीजिए, कुछ भी कुछ भी। जैसे ये फीलिंग आती है कुछ भी सोचना शुरू कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको, जैसे ही कुछ आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे वो फीलिंग की आपको पकड़ कम हो जाएगी, दैट्स राइट, पकड़ कम हो जाएगी। और आप जानते हैं ना पावर ऑफ थॉट, अगर मैं कहना शुरू कर दूं मैं बीमार हो रहा हूँ हो रहा हूँ हो रहा हूँ, तो शाम तक बीमार हो जाऊँ। अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, कुरूप लग रहे हो, बेकार लग रहे हो, कुरूप, वो उसकी फीलिंग जैसी हो जाएगी, वो शाम तक उसका शक्ल भी बदली जाएगी, दैट्स राइट। और पावर ऑफ थॉट, आपके थॉट में बहुत ज़बरदस्त पावर है जनाब। चलिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक 5 मिनट के लिए, मेरे से 5 मिनट भी नहीं, थोड़े सेकंड्स के लिए आप आंख बंद कर लीजिए, वो नेगेटिव फीलिंग चले जाएगी। कैसे? आंख बंद कीजिए, अब सोचिए आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है सब डायरेक्शन में, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, 2 लंबे सांस लीजिए, छोटी सी मेडिटेशन है,
आंखें खुली, फीलिंग कम हुई, जरूर हुई। आप सेल्फ अफर्मेशन के बारे में जानिए, सेल्फ लव के बारे में जानिए, सेल्फ केयर के बारे में जाइए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप जाइए यूट्यूब पे, जाइए इंटरनेट पे, जाइए देखिए, सब चीज़ें ये आपको मिलेंगी। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, और एक और चीज़ बहुत कमाल की है, माइंडफुलनेस। वाह, माइंडफुलनेस भी बहुत कमाल की लिविंग स्टाइल है। आंखें बंद कीजिए, थॉट्स को आने दीजिए, आप जो हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए अपने शरीर से बाहर जाके, और जो थॉट्स आ रही हैं उनको जाने दीजिए। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, बस इसी को आपने जीना है। आईज क्लोज्ड, चाहे तो एक दो लंबी सांस ले सकते हैं एनर्जी के लिए। थॉट्स धीरे 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 अपने आप चले, बादल हैं आएंगे चले जाएंगे, माइंडफुलनेस जीना सीखिए। चलते चलाते एक दो टेक्निक और बता रहा हूँ आपको, बहुत कमाल की टेक्निक बता रहा हूँ। एक तो आपको बता रहा हूँ, इसको होपोनोपोनो बोलते हैं, मेरे लिए बहुत कमाल की। जब भी आपकी नेगेटिव फीलिंग आए, आप बोलिए आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको आप कहते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, 108 बारी बोलिए और आपकी नेगेटिव फीलिंग्स उड़न छू, पक्की बात है। ट्राई कीजिए फिर दोबारा एक बारी, आईज क्लोज करके, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। कमाल की टेक्निक है, इसको ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में चलते चलाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका कल्याण हो सकता है। दो चीज़ें आज बस बताऊँगा, एक तो लेट गो और डिटैच। डिटैच कर लो अपने आप को, जो भी चीज़ें आपके आरित आलिद वाले हैं ये आपकी नहीं है, ना आप ले जाने वाले हो साथ में, ना लेके आए थे। डिटैच कर लो, आउटकम जो है चाहते हो उससे अलग हो जाओ। प्रोसेस को एंजॉय करो, जैसे ये वीडियो है इसको एंजॉय करो, एक बारी फिर देख के एंजॉय करो, राइट। और उसके बाद में लेट गो, बस जाने दो, जो जैसा है अच्छा है, जैसे कहते हैं जो होगा अच्छे के लिए होगा। एक्जैक्टली, मुझे ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करके बहुत मज़ा आया, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए फीडबैक, गुड, थैंक यू सो मच। आपकी फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हुआ मैं ब्रह्म शर्मा आपकी इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।